हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेवल गुरुजी में। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं आप किस प्रकार से घर बैठे ही खुद से ही आप विकलांग सर्टिफिकेट जो है, विकलांग कार्ड जो होता है, स्मार्ट कार्ड जो होता है, उसे आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसे अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो मैं कंप्यूटर पे आपको करके दिखाने वाला हूं किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना होगा स्वावलंबन कार्ड बोल के। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एंटर कर देना है। फिर ऊपर वाला जो आपका दिखाएगा जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो है ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आप जो है यहाँ से अप्लाई करेंगे, उसका इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसा इंटरफेस दिखाई देने के बाद में यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या कार्ड्स की बेनिफिट्स है इस वेबसाइट के थ्रू से आप जाकर जो है चेक कर सकते हैं कि इस कार्ड में क्या क्या बेनिफिट है, सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए नॉर्मल से यहाँ पे देखिए ऊपर में रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ से लॉगिन करके आप ट्रैक कर सकते हैं जो है आपका स्टेटस क्या हो रखा है, ठीक है, आपने जो अप्लाई किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। ऐसा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट लें जी। जैसे ही हमने किया ऐसा एक फॉर्म हमारे सामने खुलकर आ गया है। इसमें क्या होगा, हमें जो भी हमारा जिनका भी हमें कार्ड अप्लाई करना है उनका सारा का सारा यहाँ पे जो है डिटेल फिल करना होगा। तो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एप्लीकेंट फर्स्ट नेम मांगा है, तो यहाँ पे मैं एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम जो है वो मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का मिडिल नेम अगर है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं तो आप जो लास्ट नेम है सरनेम है वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका जो इंग्लिश में आपने लिखा है वो यहाँ पे हिंदी में भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो नॉर्मल सा हिंदी में लिखने के लिए आपको यहाँ पे इसी नाम को पेस्ट कर दे और उसके बाद आप जैसे ही स्पेस करेंगे ये ऑटोमेटिक आपका जो है हिंदी में ले लेगा। तो एप्लीकेंट सरनेम जो है उसे भी आपको जो है यहाँ पे हिंदी में लिखना होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल सा पेस्ट करें और स्पेस दे तो ये ऑटोमेटिक जो है हिंदी में आपका खुद ब खुद ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उनके फादर्स का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इनका फादर का जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ। जी, मैंने ये फिल कर दिया है। उसके बाद माँ का नाम पूछा जा रहा है, तो माँ का नाम भी यहाँ पे बताना जरूरी है। ये करने के बाद इसमें देखिए आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपका जो इसका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो आप सिंपली सा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करें। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इसका फिल कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन के पिता का नाम फिर से मांगा जा रहा है, तो इसको सिंपली सा कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करें और स्पेस दबाएं जो भी नाम है, उसके बाद स्पेस दबाएं तो ऑटोमेटिक जो ये है जो है आपका हिंदी में आपका ट्रांसलेट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट करने दिया जा रहा है, तो जेंडर सेलेक्ट करने के लिए जो है सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करने दिया जा रहा है, तो ये फीमेल है तो मैंने फीमेल मेल फीमेल जो भी है आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे फोन नंबर और ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं वरना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है, यहाँ पे आपके अगर शरीर में कोई बर्थ मार्क है जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं अगर कुछ है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे पास तो नहीं है तो मैंने एनए कर दिया, ना कर दिया है। उसके जो भी इनका कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट करें। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में इनका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे ऑप्शन यहीं पे अवेलेबल है। और इनका मैरिटल स्टेटस क्या है वो भी आप यहाँ पे आप फिल करना होगा। करने के बाद में जो है यहाँ पे जो है रिलेशनशिप विथ PWD मतलब जो डिसेबिलिटी डिसेबल है उनका कोई अभिभावक मतलब गार्जियन जो है उनका यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फादर मदर अंकल आंटी सिस्टर बहुत से हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं इनके फादर का सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नाम पूछा जा रहा है, तो नाम यहाँ पे तो नाम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद में
यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट डिटेल मांगा जा रहा है, अगर है तो दीजिए वरना नहीं भी देने से कोई बात नहीं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। और यहाँ पे देखिए फोटो जो भी आप अपलोड करेंगे उसमें आपको जो है जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी ये सारे आप जो है साइज डाल सकते हैं, मतलब फॉर्मेट डाल सकते हैं, वो भी साइज जो है 15 से 30 KB के अंदर। और सिग्नेचर जो आपका होगा वो 3 KB से 30 KB के अंदर जो है आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी एड्रेस होता है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। एड्रेस फिल करने के बाद में आपका जो है यहाँ पे एड्रेस प्रूफ जो है वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो वो आपको देखिए एड्रेस प्रूफ जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 10 से 100 KB के अंदर जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एड्रेस जल्दी से जल्दी फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके आगे का प्रोसेस। ये सब डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों, इसके बाद जो है आपको ये सारे डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करना था, अपलोड कर दिए। यहाँ पे रिव्यू भी आपको दिखाएगा। अगर आपका बच्चा जो है सिग्नेचर नहीं कर पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत छोटे हैं तो सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, तो इनका जो है आप थंब भी ले सकते हैं, ठीक है, जो अंगूठे का निशान होता है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट जब आप एड्रेस फिल करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा एड्रेस प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी एड्रेस प्रूफ, अगर आपके बच्चे का एड्रेस प्रूफ अगर नहीं है इनमें से कुछ भी, तो जो भी गार्जियन है उनका भी आप वोटर आईडी यहाँ पे आराम से जो है वोटर आईडी बोल के नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो आप आराम से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये करने के बाद में यहाँ पे है ये क्वालिफिकेशन मांगना जाएगा। तो क्वालिफिकेशन तो अभी इसका नहीं है तो मैं ये नहीं डाल रहा हूँ, फिर नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे दिया जा रहा है डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो आपके पास अगर है ऑलरेडी हॉस्पिटल से अगर मिला है, और अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं, वरना आप नो करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं नो करके जा रहा हूँ क्योंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे डिसेबिलिटी क्या है वो आपको जो है यहाँ पे डालना होगा डिसेबिलिटी टाइप में। तो यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी टाइप क्या है वो आप डालिए। यहाँ पे मेरे वाले में जो था इनका जो था लोकोमोटर डिसेबिलिटी था, तो मैं लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी होता है वो मैं इनका जो है डाल रहा हूँ। ये डालने के बाद जो है इनका लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कौन सा किस पार्ट में हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इनका जो है आंखों में हुआ है, लो विजन की वजह से हुआ है, तो मैं यहाँ पे लो विजन जो है आराम से डाल सकता हूँ। फिर यहाँ पे आई जो डालेंगे, यहाँ पे देखिए राइट आई लेफ्ट आई सब यहाँ पे पूछा जाएगा। तो जो भी है यहाँ पे इनका दोनों आंखों में है, तो राइट आई और लेफ्ट आई दोनों में दे देता हूँ। चलिए मैंने ये डाल दिया है। फिर यहाँ पे पूछा गया है डिसेबिलिटी कब से है, जन्म से है या जन्म के बाद हुआ है। तो यहाँ पे इनका डिसेबिलिटी डेट ये जन्म से हुआ है, तो मैं जन्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद में यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी आपका कब से है, तो यहाँ पे आप कॉन्जेनिटल दे सकते हैं, ये जन्म वाला ही बताता है आपका, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको जो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल मांगा जाएगा। तो आपके जो भी जिनका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उनके फादर अगर कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना नहीं भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे जो है देखिए जो आइडेंटिटी डिटेल मांगा गया है इसमें जो है प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर रखा है, तो वोटर आईडी कार्ड जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन दिया गया है, इसे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिक एड्रेस प्रूफ के तौर पे यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें एग्री करना होगा। एग्री करते ही यहाँ पे उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा हमें डालना होगा। तो चलिए मैं कैप्चा भी डाल देता हूँ, जैसा कैप्चा है वैसे डाल दीजिएगा। चलिए मैंने कैप्चा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री टू दी टर्म एंड कंडीशन, इस पे भी आपको क्लिक करना है, यस करना है। फिर आपको जो है प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड अगर आपका आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, वरना आपको जो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करें। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है आपको देखिए मैं आपको जो है ये प्रीव्यू दिखाएगा, जो आपने जो भी फिल किया है उसका आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। उसके बाद सब अगर डिटेल आपका सही है तो यहाँ पे जो है कन्फर्म एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो प्रोसेस है, एक कन्फर्म एप्लीकेशन आप अगर करते हैं तो वो आप खुद से ही कर सके, और अगर यहाँ पे और एक देखिए लॉगिन विद डिटेल सेवा कनेक्ट
अगर आपके पास CSC ID है तो आप यहाँ से भी पे करके जो है कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ दिक्कत हो दिखता है तो आप यहाँ से जो है एडिट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो मैं ये जो है कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में जो कुछ भी आपने फिल किया है, नाम हो गया, लैंग्वेज हो गया, सब कुछ जो है यहाँ पे आपको एक एक करके जो है यस यस पे टिक करना है। टिक करने के बाद में जो है आपको नीचे में देखिए यहाँ पे यस का ऑप्शन है, ये आप क्लिक कीजिए यस। उसके बाद में ये थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद ये जो है आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप बने रहे, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन जो है सबमिट हो गया है। यहाँ पे जो है आपका एनरोलमेंट नंबर ये है जो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे भी लिखा रहेगा, तो यहाँ से आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म को जो है यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से आपको जो है प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के लिए यहाँ से देखिए जैसे मैंने डाउनलोड किया उसके बाद इसको आप प्रिंट कर लें, और उसके बाद फिर यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट जो है इस पर भी आपको क्लिक करना होगा, और ये जो रिसिप्ट जो है आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिसिप्ट भी डाउनलोड। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।